जैसे पहले वाले उसमें वीडियो में प्रश्नावली 6.2 को कर चुके थे, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे देखिए, तो आगे बहुत सारी प्रमेय आती हैं, उस प्रमेय को हम सॉल्व करते जाएंगे। और उस प्रमेय में क्या है, जैसे साइड एंगल साइड प्रमेय आएगी, और एंगल 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 प्रमेय आएगी, और साइड 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 प्रमेय आएगी। यानी कि इसमें क्या है, जैसे इसमें जो साइड कह रखा है कि भुजा कोण भुजा, उसमें वो भुजा ना होकर भुजा अनुपात होता है। ठीक है, लिखते हैं हम भुजा है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, भुजा अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, चलिए अब देखते जाते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रखा है, जैसा हमें पता ही है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप कम होंगे, समरूप यानी कि एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, मतलब अगर आप उसको सुपर इम्पोज करो तो मतलब ये नहीं, आकृति समान होगी, माप में डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं सेम, और छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कसौटियाँ कहती, पहले तो उसके एंगल बराबर होना चाहिए जो संगत हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। ठीक है, और जो एंगल मिला रहे हैं ना, जैसे कोण ए मिला रहा है, एंगल को कौन कौन सी भुजा से मिलके बनना है, ए बी और ए सी। ठीक है, यहाँ पर डी ई और इससे मिलकर बनना है, तो कोण ए यानी कि ए बी जो होगा वो डी ई के अनुपात में आएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा लिखा है, त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें जो भुजाएं ली जाएगी वो क्या लगेगी, ए बी, जैसे ये स्टार्टिंग है ए बी है तो डी ई लिया। ठीक है, तो क्या अनुपात आ गया, ए बी अपॉन डी ई, फिर बी सी आगे बढ़ाया तो इधर ई एफ लिया, बी सी अपॉन ई एफ, अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, जो त्रिभुज आपने लिखा है उसी के हिसाब से लेंगे। फिर यहाँ से ए और यहाँ से सी, और फिर यहाँ से डी यहाँ से एफ, ये ले लिया। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते थे कि ए बी अपॉन ई एफ कर दिया, ये कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपको सीक्वेंस में लेना है। ठीक है, इस सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे कि हम कह रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ये समरूप हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए जो होगा स्टार्टिंग का, ये एंगल ए, ये किसके बराबर होगा, एंगल डी के, बी किसके बराबर होगा, ई के बी। ठीक है, सी किसका होगा, एफ के, ऐसे करके। ठीक है, बस मैं ये बता रखा है, और इसमें भुजाओं का अनुपात बता दिया, यानी कि देखिए ए बी का अनुपात डी से, बी सी का अनुपात ई एफ से, क्योंकि मैंने क्या कहा था, समरूप होने के लिए क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ना कि भुजाएँ, भुजाएँ किस में बराबर होती है, सर्वांग संकेत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये प्रमेय आ गई है, इस प्रमेय में क्या रखा है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण का बराबर मतलब क्या हो गया, जैसे मैं ये कह रहा था कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी इधर संगत कोण कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर है। ठीक है, ये होते हैं संगत कोण। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या करेगा, संगत कोण बराबर है। ठीक है, संगत कोण यानी कि ए, अब जो भी है, जो सा भी हम त्रिभुज लेंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसे क्या कहते हैं, अगर संगत कोण बराबर है, यानी कि एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में कोण बराबर है, ये कोण इसके, ये कोण इसके, ये कोण इसके, तो क्या हो जाएगी, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, एंगल समरूपता के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें तीनों के तीनों क्या है, कोण बराबर है। ठीक है, और किसी में क्या आएगा, कभी कभी ये भी आ सकता है कि जब क्या होगा, एक एंगल बराबर होगा, ठीक है, और ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, जैसे ए बी अपॉन डी ई बराबर इधर का ए सी अपॉन इधर का क्या है, डी एफ, ये बराबर है, तो ये क्या है, भुजा अनुपात। तो एंगल
भुजानुपात, भुजानुपात इस प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं अब इसको, हमें सिद्ध करना है कि कैसे ये समरूप हो जाएगा अगर कोण बराबर होंगे तो। ठीक है, अब हमने क्या करा है इसमें, इसमें हमने क्या करा है, एक ट्रायंगल एबीसी माना है, एक ट्रायंगल डीईएफ है, लेकिन इनमें एक पीक्यू ऐसी लाइन खींची है हमने, एक पीक्यू लाइन इस प्रकार से खींची है कि जो एबीसी है, ये ट्रायंगल है एबीसी, और ट्रायंगल ये जो बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रायंगल डीपीक्यू, ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए हैं, सर्वांगसम हो गए हैं। सर्वांगसम मतलब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो बिल्कुल सेम जाएगा, जैसे मैंने बताया था सिक्के के ऊपर सिक्का रखना, सिक्के के ऊपर सिक्का रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक माप में आ जाएगा, यानी कि इसके एंगल भी बराबर होंगे और भुजाएं भी बराबर होगी, भुजा अनुपात नहीं होगा इसमें, इसमें भुजाएं भी बराबर होगी, क्योंकि आप ही देखिए ना कि ये देखिए, जैसे जितनी भुजाई ये है उतनी भुजाई यही तो होगी, तभी तो इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ जाएगा, BC को PQ के ऊपर रखें तभी तो फिट आएगा, AC को PQ रखें तभी तो फिट आएगा, तो ये एंगल भी बराबर होंगे सर्वांगसम में। ठीक है, लेकिन अगर समरूप होता तो समरूप में मैंने कहा है माप में क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट का मतलब एक इतना छोटा तो एक इतना बड़ा, मैंने कहा आकृति सेम होगी, आकृति ट्रायंगल होंगे लेकिन माप में क्या होगा, डिफरेंस आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, समरूप हो गएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वांगसम कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने कि ये और ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण बी कोण पी के बराबर हो गया। ठीक है, कोण सी कोण क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए ये लिख रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर लिख रखा है कोण बी कोण पी के बराबर है। ठीक है, और कोण पी कोण ई के बराबर हो गया। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कोण बी कोण पी के बराबर कैसे हुआ, ये जो हुआ ये किस कारण से हुआ, सर्वांगसम, सर्वांगसम के कारण। सर्वांगसम मैंने क्या कहा, त्रिभुज ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल डी पी क्यू इसके, इस वाले के। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल भी समान होंगे और भुजाएं भी समान होगी। ठीक है, तो ये ले लिया, तो ये तो हमने बराबर हो गया। अभी कोण ई के बराबर कैसे हो गया, कोण पी जो है ये कोण ई के बराबर कैसे हो गया, मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि पैरेलल लाइन और इससे कोई लाइन जा रही है। ठीक है, मैंने आपको वृत्त वाले में चैप्टर या फिर ट्रायंगल वाले में ही बताया है, जब दो पैरेलल लाइन होती है और उसको एक लाइन कट कर रही होती है तो ये जो एंगल होता है इसे क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं, ये संगत, इसे संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा तो वही यहाँ पर कर रेखा है। देखिए ये लाइन हो गई पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे, तो इसका मतलब कोण ई जो है वो कोण पी के बराबर होगा, वो यहाँ पर लिख रेखा है। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, कोण क्यू ये भी देखो पैरेलल लाइन है, कोण पी कोण ई के बराबर है नहीं है, कोण क्यू बराबर कोण ई क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच का दूर क्या है, किस वजह से है, संगत कोण। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए कोण पी कोण ई के बराबर है, कोण क्यू कोण एफ के, अब मैं इसमें देखिए एक चीज लगाता हूँ कि रुकिए एक मिनट, देखिए जैसे कि हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन, जैसे ये है दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रायंगल, इससे पहले हमें एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर दो पैरेलल लाइन हो तो उसको अगर ट्रायंगल क्या कहते हैं, जो भुजाओं का अनुपात होता है ये जो बांटता है वो समान होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो गया, यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ डी पी इस भुजा का अनुपात अपॉन पी ई नीचे वाली भुजा का अनुपात
फिर ये डी क्यू का भुजा का अनुपात और ये क्यू एफ भुजा का अनुपात बराबर होंगे, क्योंकि क्या है पैरेलल लाइन वाली थ्योरम हमने पहले पढ़ी थी, इससे पहले आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए हमने क्या कह रखा है, हमें पता है कि ट्रायंगल जो है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू क्या है, सर्वांगसम है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी डी क्यू के, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारा इतना प्रूफ हो गया था, ये प्रूफ हो गया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो अब मैंने कहा था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर पी डी क्यू होगा, ठीक है। अब उसी को यहाँ पर रख दो, देखो मैंने यहाँ पर क्या रखा है, डी पी की जगह यहाँ पुट करना है और डी क्यू की जगह ये पुट करना है, तो आपका अगला वाली जो लाइन है वो आ जाएगी, डी पी की जगह ए बी आ गया, देखिए ये लाइन आ गई, ए बी अपॉन डी ये हो गया, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि अगर इनके कोण समान हो, ठीक है, संगत कोण समान हो तो क्या होता है, भुजाएँ का अनुपात समान हो जाता है, यानी कि ए बी अपॉन जो पूरी लाइन है डी ई, ये पूरी लाइन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, इधर बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, और इधर ए सी अपॉन डी एफ पूरा, ठीक है। तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखने का है कि ये जो हमारा ये लास्ट में आ रहा है कि मतलब बी सी अपॉन ई एफ, ये कैसे आ गया, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई के कैसे आ गया, ठीक है, इसको हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इसको करने के लिए वहाँ पर लिख दिया कि इसी प्रकार, तो इसको मैं समझा देता हूँ कैसे हो गया। जैसे ये है डी पी क्यू, ये छोटा वाला, ठीक है, और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा हो गया, डी ई एफ, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। पहले हमने छोटा वाला लिया, फिर हमने बड़ा वाला ले लिया, तो देखिए उसमें क्या क्या कह रहेगा है, देखिए डी कोण एंग, अब मैं यहाँ पर इसको अलग से कर लेता हूँ, एंगल डी, एंगल डी कॉमन हो गया, ठीक है। और देखिए कोण पी कोण क्यू के बराबर था, कोण पी जो है, कोण क्यू कह रहा हूँ सॉरी, कोण पी कोण ई के बराबर था, क्यों, क्योंकि समानता पैरेलल लाइनें थी, ठीक है। आप इसको वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है, तो पी और ई बराबर थी, कोण क्यू कोण एफ के बराबर था, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल 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 समरूपता के कारण, समरूपता के कारण क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डी पी, इनकी भुजाओं का अनुपात डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन जो पूरी भुजा उसकी डी ई दूसरे त्रिभुज की, बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ठीक है। ये तीनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि समरूप कर दिया हमने सिद्ध, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्योंकि हमें पता है कि डी पी किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैं अलग उसके ले लेता हूँ, डी पी किसके इक्वल था, ए बी के, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बी अपॉन डी ई ये आ गया, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पी क्यू किसके बराबर है, जो ये पी क्यू है, ये नीचे वाला पी क्यू था वो किसके बराबर था, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए और इधर ये देखिए, ठीक है। तो पी क्यू किसके बराबर था, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ए बी सी और डी पी क्यू हमने क्या निकाले थे, सर्वांगसम निकाले थे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने सर्वांगसम निकाले थे, तो बी सी अपॉन बी सी पी क्यू के बराबर हो गई, तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, बी सी के, तो यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर लिख दिया गलत लिख दिया, क्योंकि ये पी क्यू है, इधर पी क्यू है, ठीक है, तो पी क्यू अपॉन ई एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक।
अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के कम से दो कोणों के बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमने अभी निकाल दिया एंगल सिमिलैरिटी के कारण। एंगल सिमिलैरिटी कह सकते हो या एंगल सिमिलैरिटी कह सकते हो, ठीक है।